खबर बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। नरवाना में रणदीप सुरजेवाला ने ताल ठोकी है और कांग्रेस में सीएम उम्मीदवारों के लिए उन्होंने ताल ठोकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं से रणदीप सुरजेवाला बोले हैं और जींद की पांचों सीटें जिता दो, ऐसा सुरजेवाला का बयान सामने आया है। पूरे हरियाणा में आपकी होगी चौधर, तो सुरजेवाला ने सीएम उम्मीदवारी के लिए ताल ठोकी है। और आपको बताना चाहेंगे कि हुड्डा का नाम लिए बिना ही सुरजेवाला ने ये तमाम बयान दिए, वहां के लोग नेता को वोट देते हैं, तो सुरजेवाला इस तरह की बातें कहते हुए वहां पे नजर आए और उन्होंने कहा कि इसलिए सत्ता उनके पास चली गई, जब तक एक का हाथ नहीं पकड़ोगे तब तक विकास नहीं होगा, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की पांचों सीट हम जीत जाएंगे उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखाते। तो एक आखिरी बात आपके कान से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बड़े भी बैठे हैं, मेरे हानिए भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, काकी ताई भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बैठे हैं। जब तक एक बंदे की पुंजर नहीं पकड़ेंगे तब तक इलाका और जिला उसका कल्याण नहीं होगा। अपने यहां मेरी छोटी बहन है, कलाज से एमएलए बनी थी एक जमाने में, हमने टिकट दी गीता फुकल, वो यहां से उधर चली गई, हल्का जब खुल गया झज्जर तो झज्जर वालों ने भी वोट डाल दी, गीता फुकल को थोड़ी डाली थी, डाली तो उनको थी, अगले मालिकों को जो लीडर थे वहां के, उसका नतीजा यह हुआ कि उनको राज मिल गया। जिस दिन जींद के पांचों एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे उसी दिन राज मिल जाए। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही और बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी जुड़ चुके हैं, तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस में सीएम उम्मीदवारी के लिए अब रणदीप सुरजेवाला ने ताल ठोक दी है, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि पांचों सीटें जुटा दो तो आपकी चौधर होगी। देखिए, हर राजनीतिक दल और हर राजनेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को ये विश्वास दिलाता है कि अगर आप लोग हमको जिताओगे तो राज में तुम्हारा शेयर ज्यादा होगा। तो यही बात कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी कि अगर जींद की 500 सीटों कांग्रेस में आएंगी तो जींद को ज्यादा शेयर मिलेगा सत्ता में। तो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हो, ये लोकतांत्रिक बात है। और हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का या सत्ता में सर्वोच्च पद पर पहुंचने का लोकतांत्रिक अधिकार है, तय तो पार्टी करती है। और पार्टी व्यक्ति की कितनी स्ट्रेंथ है, किस जिले में कितनी हमारी ताकत है, कहां से कितने विधायक बने, उसके आधार पर फिर सत्ता का बंटवारा करती है। तो आप इसको जींद के संदर्भ में देखिए कि पांच विधायक अगर कांग्रेस के जीतते हैं जींद से तो जींद के विकास के अंदर और तेजी आएगी और जींद को सत्ता में भागीदारी और मिलेगी। कोई पांच विधायकों से कोई 90 विधानसभा की, लेकिन विद्रोही जी अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेस से हर दूसरा व्यक्ति सीएम की पद के लिए ताल ठोकता हुआ नजर आता है। इसमें गलत क्या है जी, कोई गलत चीज थोड़ी है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है और जब चुनाव हो जाएंगे तो विधायक तय करेंगे भाई किसके साथ बहुमत है। गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे जो गुटबाजी की एक महक आती है वो जरूर आती है इस तरह के जब स्टेटमेंट सामने आते हैं नेताओं के। तो आपका ये आकलन हो सकता है, हमारा आकलन ये है कि लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, कोई भी अपना दावा कर सकता है। ये तो अपनी अपनी आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, कोई कह देंगे भाई आधा खाली है, कोई कह देंगे आधा भरा हुआ है। तो ये तो अपने अपना नजरिया है जी सोचने का, और हर व्यक्ति को आप उसमें गुटबाजी सोच सकती हैं। हम इसमें ये सोच सकते हैं कि भाई कांग्रेस को मजबूत कर जींद जिले की पांचों सीटों कांग्रेस को दिलवाने के लिए रणदीप जी प्रयास कर रहे हैं। ये तो अपनी सोच का फर्क है जी, इसमें तो आपको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है। ठीक है रमन जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी की तमाम बातों को आपने सुना, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी की एक महक जरूर आ रही है रणदीप सुरजेवाला जी का ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जींद की पांचों सीटें जितवा दो तो चौधर आपकी होगी, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के जो नेता है रणदीप सुरजेवाला जी के इस स्टेटमेंट को आप?
देखिए इस स्टेटमेंट को तीन चार खंडों में देखना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट के तीन चार डायमेंशन है। पहला डायमेंशन तो ये है कि बोल कौन रहा है, बोल को व्यक्ति रहा है जो हरियाणा छोड़ के भाग के राज्य पदाधिकारी मेंबरशिप के लिए पहुंच गया राजस्थान, जिसमें केसी मान ताकत ये करा कि वो 12 महीने में दो बार ही MLA का इलेक्शन हारा। ये वो जी रमन जी की आवाज नहीं सुन रही साहब, रमन जी साहब बोलिए सुन नहीं रहा। रमन जी आप आपकी आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ा सा तेज बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल कौन रहा है इसके ऊपर आपको अहमियत देनी चाहिए। वो व्यक्ति जो हरियाणा छोड़ के भाग गया और राजस्थान से MP बना है और जो ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर चुका है कि 12 महीने में दो MLA के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हारा एक ही पार्टी के टिकट से। दूसरी चीज कहाँ बोल रहा है, जींद में, जींद वो जगह जहाँ पे चुनाव में जब खड़े हुए थे सुरजेवाला साहब तो जींद की जनता ने उनको नकार दिया। तीसरी चीज जिस प्रकार से वो गीता बुक्कल और दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत साफ सुथरा सामने आ गया कि अंतर द्वंद कितना भयंकर है ये सामने पहले ही ले आए। चौथी चीज जो नहीं भूली जा सकती है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसी होती है जो ये कहती है कि जी आप चुनाव जीतने के पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री अपने दल का डिक्लेयर कर दें ताकि आपको अहमियत मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ दल के नेता हैं या नेताओं का दल है ये, और अगर नेताओं का दल है तो फिर उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलो, IN.I वाला बोलो या आप कुछ और बोलो। ये तो फिर वही है ना कि जैसे कबायली इकट्ठे होके लूट खसोड़ करने आते थे तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान से, वैसे ये आ रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या हुआ फिर? प्रदेश की जनता को आज एक स्टेबल लीडरशिप की बात करती है जो मनोहर लाल जी देते हैं, जो भाजपा देती है कि जो भी होगा एक जुट खड़ा होकर डिसीजन होगा और जहां जरूरत होगी वहां पे बड़े से बड़ा कदम भी बड़ी जोर से धमक से लिया जाता है। तो यही बात है। अब ये बोले कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनके जो नेता है उन्होंने ऐसे कीर्तिमान नहीं स्थापित करे। ठीक है विद्रोह जी आपका रिएक्शन, तमाम बातों को आपने सुना है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये एक अलग ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, और उनको सोचना चाहिए कि वो कौन सी बात कहां पर कह रहे हैं। जी देखिए 2014 को आप याद कीजिए, जी 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था, राव इंदर जीत अहिरवाल में कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जी खट्टर जी कह रहे थे मैं बनूंगा, रामविलास शर्मा जी कह रहे थे मैं बनूंगा, कैप्टन अभिमन्यु जी कह रहे थे मैं बनूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे मैं बनूंगा, अनिल विज जी कह रहे थे मैं बनूंगा, सभी कह रहे थे। चुनाव हुआ इन्होंने मनोहरलाल खट्टर जी को चुन लिया। तो हर दल में मुख्यमंत्री की बात करते हैं, इन्होंने वोटों की बात की। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं इनको याद दिला दूं, हमारे भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था भाजपा से उनको 260 वोट मिली थी, दूसरी बार वो बन गए, तीसरी बार वो बादली से हार गए। और जहां तक इनके अध्यक्ष थे सुभाष बराला साहब, वो अध्यक्ष रहते हार गए। तो चुनाव में हार जीत होती रहती है, कभी ये मान लेना कि भाई चुनाव में कोई हार गया तो उसको कोई बोलने का हक नहीं है या उसको बात उठाने का हक नहीं है, ये रमन जी की सोच हो सकती है, ठीक है। हमारी सोच नहीं है, कोई हारे या जीते नेता अपनी बात कह सकता है। और रही बात हमारी गुटबाजी की, देखिए जब भी आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है तो कोई भी दल चुनाव लड़ता है उसमें बहुत से नेता होते हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं, और जब पार्टी क्या तो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है या कोई वर्तमान में जैसे खट्टर जी मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तब आप कह सकते हो खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे,
वरना हर दल के अंदर ये होता है, कोई कांग्रेस में हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो रमन जी को कहूंगा वो हरियाणा का इतिहास उठा कर देख ले कब किस दल में नहीं हुआ, और अगर मैं गलत हूँ 2014 में नहीं हुआ तो मैं इनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं इनको कटिंग दिखा दूंगा, मैं इनको रैलियों के भाषण दिखा दूंगा कि उनके यहाँ भी लोग कहते थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे। विद्रोही जी, यहाँ पे भाजपा के अंतरकला की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो कांग्रेस के अंतरकला की बात हो रही है। आलाकमान को भी समझ में आ रहा है, ये आलाकमान को भी समझ में आ रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में उतरना है तो फिर पार्टी को एकजुट होकर ही उतरना होगा, तभी आज मंथन भी होता हुआ नजर आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज इसीलिए बैठक बुलाई है, और मैं भाजपा के अंतरकला की बात ही नहीं कह रहा, मैंने तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की बात कही है। लोग कहते हैं हर दल में कहते हैं, उसको आप गुटबाजी से मत जोड़िए, मेरा तो केवल इतना ही आग्रह है, और मैं भाजपा पर या किसी के दूसरे दल पर सवाल नहीं उठा रहा, मुझे अपने दल के अंदर अंदर जाकर देखना है। करिए बिल्कुल, ठीक है रमन जी, आपकी बात को सुना। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको भी रमन जी एक लाइन में आपका रिएक्शन। 2014 में जो स्थानांतरण होके आ रहे थे उन्होंने अपने वक्तव्य रखे, उनको आदत थी। 2019 में उन्होंने उनकी ट्रेनिंग हो गई थी। ठीक है, ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, आज मंथन होता हुआ भी नजर आएगा। और उधर सुरजेवाला ने जींद में 5 सीटें जीतने के लिए वहां पर वोट अपील की है, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो वहां पर आपकी चौदह लोग, इस तरह के बयान देते हुए रणदीप सुरजेवाला वहां पर नजर आए।